सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सबका आज के ब्लॉग में। तो आज पता है हम कहाँ जा रहे हैं? तीन गाड़ियां लेके। आप देख रहे हो हमारे पीछे तीन गाड़ियां खड़ी है, एक ये BMW, फिर पीछे विनय की टार्जन और पीछे अपनी XUV। तो आज हम जा रहे हैं, चीनू का एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, आपको पता है। तो हम चीनू को उसके बोर्ड एग्जाम के बाद स्कूल से पिक करेंगे और घर पे लेके आएंगे। तो चलो भाई चलते हैं और देखते हैं कि कितने सारे बच्चे आ रखे होंगे और सबका क्या रिएक्शन होगा। बैरी बना थी समार खां पर साले मेरे तड़ा तड़ा, छुरिया ना लागू ताता बैरी मेरे ता जड़ा जड़ा, पितर छाती के भीतर ममना फालतू लड़ा करा, मेरे जिशा मानस बोर्ड का ना रब्ता बना करा। तो गाइस धूप हो रही है बहुत ज्यादा और मैंने सोचा था कि अपनी गाड़ी को कन्वर्ट करके लेके जाएंगे, बट धूप के कारण हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही लेके जाएंगे। अगर बीच में मौसम सही हुआ तो फिर कन्वर्ट कर लेंगे, नहीं तो ऐसे ही चलेगी क्योंकि गर्मी में झुलस जाएंगे भाई। और गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते हैं पहले। जो तक मोकदा ना तेल यदो तक ना खड़ावा, भावे चोक लाके घर नु मैं वापस भी आवा, जदो होवा वाइब विच गल हवा ना करावा। गाइस देखो मैंने ना चप्पल डाल रखी क्योंकि थोड़ा कंफर्टेबल सा रहता है चप्पलों में, शूज जानबूझ के नहीं डाले क्योंकि गाड़ी से नीचे तो उतरना नहीं मेरे को, तो चप्पल में ही चलते हैं। और हाँ, अपनी गाड़ी भाई दबा के तेल पीती है, तो अभी वहां जाने से पहले इसमें पेट्रोल डलवाना है और बीने वाले में भी पेट्रोल डलेगा। तो चलो भाई पहले तेल डलवाते हैं और पहुंचते हैं चीनू के स्कूल। किसी चीज का नहीं डर मेरे यार, सारे शूटर हां, एक बाइक उत्ते यार चार मैं बैठावा, फिर होवा वाइब विच गल हवा ना करावा। तो भाई मेरे साथ जा रहा है बल्लू और पीछे विनय के साथ है मिक्की और सबसे पीछे वाली गाड़ी में XUV में वो अमन चला के ला रहा है। तो भाई फ्यूल बिल्कुल डाउन हो रखा था तो भी हम करवा रहे अपनी टंकी फुल। भाई तेल हो रखा है 97 रुपए का। क्या पेट्रोल डालना आता आपको भी? आता तो है, डाल तो रखी है आपने। वैसे नहीं आता, मतलब वो तो रील बनाई थी ना एक, तो डाला था, उसके बाद पता लग गया कि पेट्रोल कैसे डलता है। मीटर वीटर चल ले तो? मीटर वीटर चलाना नहीं आता, बस वो नोजल निकाल के गाड़ी में लगा के उसको स्टार्ट करना आता है, उसे ये भी तो ऊपर ही करना होता है बस। हाँ तो उसमें भी बहुत टेक्निक लगती है। भाई तेरे को क्या चाहिए? क्या चाहिए? नहीं है भाई, खुले नहीं है। अब देख तू, अब तू गया बेटा, भूल गया था तार से लेके आ रहे हो आप ही। वो तू भी अपने में तेल डलवा ले, तू भी टंकी फुल करवा रहा है क्या? क्यों बताऊं? मत बता, सीधा बिल दिखाऊंगा। हाँ ठीक है, जल्दी करवा और निकलते हैं फिर। गाइस गूगल मैप हमने लगा लिया है, 38 मिनट लगेंगे, 19 किलोमीटर दूर है, 1:19 पे हम पहुंच जाएंगे। और गाइस चीनू ने बोला था कि 1:30 बजे तक एनी हाउ हमें स्कूल पहुंच जाना है क्योंकि एग्जैक्ट 1:30 बजे पेपर देके वो लोग बाहर आ जाते हैं। और चीनू ने बोला कि भैया 1:30 बजे तक एग्जैक्ट पहुंच जाइयो जैसे तैसे करके, वरना अगर उसके बाद पहुंचा लेट हुआ तो सारे बच्चे वगैरह चले जाएंगे और चीनू की हवाबाजी खत्म हो जाएगी, हवाबाजी बन नहीं पाएगी, तो हमें टाइम पे पहुंचना पड़ेगा ताकि भाई सारे बच्चों को पता लगे कि चीनू का बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ है और उसके बाद हम उसे पिक करने आए हैं स्कूल से इतनी सारी सुपर कार्स लेके। सो गाइस जैसे कि आपको पता है आज हम लोग कहां जा रहे हैं, भाई चीनू को पिक करने स्कूल से और चीनू के चल रहे बोर्ड के एग्जाम्स। तो भाई हम जब स्कूल में थे हमारी भी इच्छा थी कि हमारे साथ ऐसा हो कि हमारे को भी कोई सुपर कार्स पिक करने आए, लेकिन हमारा सपना उस टाइम तो पूरा नहीं हो पाया गाइस, लेकिन हाँ हमारे थ्रू हमारी बहन का पूरा हो रहा है, दैट्स इट। तो गाइस रचित आगे चल रहा है BMW लेके, मैं बीच में हूं अपनी टार्जन के साथ और पीछे है हमारी XUV। तो गाइस लाइन से हम अपनी गाड़ी को लेके जा रहे हैं। परिवन में सुमी हरियाणा की छोरी की उपस्थिति, तेरी बंदी ने कर दैलस किसी ही करे और तेरे गेल जंग रस्सी। हां हले पूरे NCR डिग्गी में तेरा है कैश कई लाख। मैं मेरे ओए बल्लू, तू गया कभी ऐसे बोर्ड एग्जाम में सुपर कार से? नहीं भाई। या पेपर दे के आया कभी सुपर कार से? आज जा तो रहा हूं, कितना जाऊं आज, जा आज देखूंगा हवाबाजी, आइए देखते हैं मजा आएगा। अच्छा और हवाबाजी काटूंगा भी, हवाबाजी देखूंगा भी। भाई मैंने खुद ने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं अपने बोर्ड एग्जाम में ऐसे सुपर कार्स में जाऊं या सुपर कार्स में से फर्स्ट टाइम या फिर एग्जाम देने के बाद सुपर कार में बैठ के वापस आऊं क्योंकि उस टाइम पे थी ही नहीं, अब है तो है भाई और चीनू के मजे हो जाएंगे। अब ये कहां ले आया आप? मतलब क्या ये देखना बस वगैरह के बीच में इतनी लोकल कॉलोनी के अंदर। भाई चीनू का जो एग्जाम का सेंटर पड़ा है ना। अच्छा। पता ना 12th के बोर्ड है उसके, तो बोर्ड एग्जाम का सेंटर पड़ता है, पता है तुझे? हाँ, तो उसका सेंटर पड़ा है नजफगढ़ के एक स्कूल में, स्कूल का नाम है श्रीराम इंटरनेशनल। अच्छा। तो वो प्रॉपर ऐसी कॉलोनी टाइप का एरिया है, अब जहाँ सेंटर पड़ा है वहाँ तो जाना पड़ेगा ना भाई, अब चाहे फिर वो लोकल एरिया हो चाहे पोश एरिया हो, अब उसका सेंटर पड़ा है नजफगढ़ के अंदर। तो हम गाइस नजफगढ़ में देख रहे हो मार्केट में बसों के बीच में ट्रैफिक के बीच में अपनी स्पोर्ट्स कार लेके घुस गए हैं और अभी तो कुछ नहीं है, मजा तो तब आएगा जब हम स्कूल के सामने पहुंच जाएंगे और जब सारे बच्चे पेपर देने के बाद स्कूल से बाहर निकलेंगे तब आएगा मजा, गाड़ियों पे चढ़ेंगे फिर वो देखते हैं भाई, बस नुकसान ना हो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। नुकसान क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। बाकी रोड वगैरह देख लिए वहाँ पे? हाँ रोड तो मतलब ठीक है, थोड़ा कंजेस्टेड रहता है, थोड़ा मतलब ट्रैफिक वाला एरिया रहता है, पर
वैसे रोड ठीक है, टूटे फूटे रोड नहीं है इतने। अच्छा सनरूफ खुलेगी कि नहीं खुलेगी आज? देखते हैं यार, धूप हो रही है इसलिए बंद कर रखी है। बाकी अगर स्कूल के सामने मूड करा जाके खोल देते हैं तो वहाँ स्कूल के सामने जाके खोल देंगे भाई। सो दोस्तों पहुँचने वाले हैं भाई हम स्कूल चीनू के, एंड भाई रोड पे जो पब्लिक रिएक्शन आ रहा है ना वो एक नंबर आ रहा है, वो भी आपको देखने को मिलेगा ब्लॉग में आगे चल के। थोड़ा सा एक नंबर रिएक्शन है गाइस, मजा आ रहा है। एक अपनी टू सीटर आगे चल रही है, एक बीच पे चल रही है, एक अपनी सेवन सीटर पीछे चल रही है। फुल ऑन डोरा हवाबाजी ऑन दिल्ली की रोड, दिल्ली की सड़कों पे भाई स्वाद आ रहा है कति। वही ये सामने है ना जवगढ़ का सूरज सिनेमा, अब तो पता नहीं सिनेमा बचा या नहीं बचा। और ये देख सकते हो आप भाई, पीछे डासा स्टैंड जा चुका है। और इस सूरज सिनेमा के अंदर ही मैंने अपनी जिंदगी की पहली मूवी देखी थी, सलमान खान की सुल्तान। और भाई सामने ये आ गया खैरा मोड़, यही घूमते थे हम स्कूल के टाइम पे। और जिसको भाई इस एरिया का आइडिया है उसको पता है कि श्रीराम इंटरनेशनल बस खैरा मोड़ से सीधा जाके थोड़ा सा चल के राइट एंड को पड़ता है। तो बस हम स्कूल पहुंच गए चीनू के, अब जल्दी से स्कूल पहुंचते हैं और चीनू को पिक कर लेते हैं। तो गाइस ये रहा सामने चीनू का स्कूल, जहाँ इसका सेंटर पड़ा है श्रीराम इंटरनेशनल स्कूल। और अभी तक कोई भी बच्चा नहीं आया, क्योंकि यार हम पता है क्या, हम 10 मिनट पहले आ गए, हमें 1:30 बजे आना था और हम 1:20 पे पहुंच चुके हैं। एग्जैक्ट 1:30 बजे के बाद बच्चे पेपर खत्म करके स्कूल के बाहर आएंगे, तो अभी 5-7 मिनट 10 मिनट वेट करना पड़ेगा हमें। तो गाइज हम लोग ना स्कूल के सामने खड़े हैं और वेट करने लग रहे हैं, 5 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट और वेट करना है तब चीनू आएगी फिर उसको पिक करके। ये भाई कोई बाहर से गेट बजा रहा है बच्चा ही। अच्छा इसको मेरे से मिलना होगा, इससे बात कर लेते हैं एक बार। हेलो, आज मैं रचित भैया से मिला हूँ। कैसा लगा मिलके? बहुत अच्छा है। चलो सही है, कार भी बहुत तगड़ी है ना। स्कूल पूरा हो गया है? स्कूल पूरा हो गया नहीं। तो भाई बल्लू को मैंने भेज दिया एक्सयूवी के अंदर, और बल्लू ने बताया कि भाई स्कूल का गेट खुल चुका है और चीनू बस किसी भी टाइम आती होगी, उसको बस पिक करना और फटाफट यहाँ से निकलना है क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। पीछे देख सकते हो ट्रैफिक कितना स्लो स्लो आ रहा है। तो गाइस ये आ गई है चीनू पेपर देके, और कैसा रहा पेपर? अच्छा हुआ, सही हुआ। चले चलो ले चीनू के स्कूल के, बालक सारे जान लाग रहे। तो भाई मैंने चीनू को पिक कर लिया है, फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम था जिसका। कैसा गया? बहुत अच्छा। तो अभी मैं चीनू को लेके गुड़गांव जा रहा हूँ, और पीछे अपनी दो गाड़ियां भी आने लग रही है। गुड़गांव? हाँ, फिर गुड़गांव से तो घर जाएगी, क्योंकि अभी घर लेके हम तीन गाड़ियां घर कैसे लेके जाऊंगा मैं, वहाँ गाँव में फंस जाएंगी तीन गाड़ियां। इसलिए तीन गाड़ियां कौन सी है? एक ये है, एक पीछे वो है टार्जन, और उसके पीछे एक्सयूवी। हाँ तीन तीन गाड़ी आ रखी है इसलिए। तो इसने बोला था चीनू ने कि 1:30 बजे मेरे को पहुंचना है, और मैं 1:20 पे पहुंच गया था। पता तेरे को कहाँ पे खड़ा था फिर तू? यही खड़ा था स्कूल के बाहर, बहुत सारे बालक आए जो वैसे घूम रहे थे मिलने के लिए। लेकिन एक चीज बताऊं, मुझे लगा था तू 1:30 बजे बाहर आ जाएगी, तू आई है 1:40 पे बाहर। क्योंकि भैया 1:30 बजे तो पेपर लिया था ना टीचर्स ने, तो अच्छा हाँ। तो गाइस वही है भाई, हमने वेट करा बाहर, लेकिन जैसे चीनू बाहर आई फटाफट मैंने इसको गाड़ी मिटाया और वहां से निकल लिया, क्योंकि एक तो ट्रैफिक बहुत हो रहा था और फिर बच्चे इतने सारे थे ना, तो भीड़ मच जाती और ट्रैफिक लग जाता और पीछे भाई सारा जाम वाम लगता, सबको परेशानी होती। तो इसलिए मैं ज्यादा रुका ही नहीं उधर, फटाफट से मैंने क्या करा भाई, गाड़ी उठाई चीनू को बिठाया और वहां से निकल गया। अब मेरी पीछे दोनों गाड़ी मिसिंग है अभी तक, क्योंकि मैं उनसे पहले आ गया और वो पीछे जाम में फंसी हुई है मेरे ख्याल से। भाई शिवम कहाँ है? शिवम स्कूल के बाहर रह गया, वो फोटो खींच रहा है। अबे तू एक्सयूवी में आ गया, तू अकेला आ गया, मैं और चीनू इसमें, शिवम को तुम वहीं छोड़ा है स्कूल के बाहर। बाहर गया था वीडियो बनाने, फोटो खींचने। अच्छा एक काम कर, अमन को बोल शिवम, हाँ शिवम को लेके आ जाएगा। बल्लू तू विनय के साथ आ जा, और मैं और चीनू हम दोनों इसमें है, हम दो गाड़ी लेके गुड़गांव पहुंचते हैं, वो आता रहेगा फिर उसके साथ, ठीक है? अरे कोई नहीं साथ में चलेंगे, 2 मिनट की बात है। अरे नहीं पूरा घूम के जाना पड़ता है, यहाँ से वन वे है ये। गाइस जो आज मेरे साथ हुआ है ना भाई, वो किसी के साथ ना हो, सब मुझे छोड़ के भाग गए हैं। यहाँ पता नहीं कहाँ घूम रहा हूँ मैं, मतलब बुद्धि बता, मुझे छोड़ के भाग गए भाई सारे, रचित भैया भी, विनय भैया भी, और एक्सयूवी भी भाई, सब आगे चले गए, मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ घूम रहा हूँ। यहाँ टेंशन में घूमे घूमे आइसक्रीम खा रहा हूँ। अभी एक्सयूवी आ रही है भाई लेने मुझे, अब एक्सयूवी पता नहीं कितनी देर में आएगी। मैं उतरा था भाई बाहर कुछ वीडियो वगैरह बनाने, इतने में मुझे पता लगा कि सारे आगे जा रहे हैं। मैं कहा ठीक है आगे जाके रुक जाएंगे, आगे सारे फरार हो गए 1-2 किलोमीटर आगे। मुझे कॉल करके कह रहे भाई कहाँ है तू, मैं कहा आप कहाँ हो भाई, क्या स्कैम हुआ मेरे साथ भाई, पूरी स्टोरी बताता हूँ गाड़ी में बैठ के। गाड़ी आने दो एक बार, पता नहीं कितनी देर में आएगी। तो भाई फाइनली अब मैं बैठ चुका हूँ गाड़ी में, इतनी देर वेट करने के बाद ये क्यों कॉल कर रहा है भाई, तुम क्यों चले गए पहले ये बताओ। सारे चले गए छोड़ के मुझे यहाँ रोड पे। हेलो हाँ तो भाई क्यों, क्या था ये? मैं गाड़ी से उतरा। कौन सी गाड़ी में से? मैं अवंती में से उतरा। अच्छा लाडो में थे ना? नहीं मैं अवंती में था। अच्छा, अवंती में उतरा,
मैं बाहर उतरा, मैं कहा अभी भैया आगे जाके गाड़ी लगाएंगे। हाँ मुझे पता है इतनी ट्रैफिक में ये तुम्हें नहीं है कि दो गाड़ी आगे निकल गई, पता है मैं साइड में चल रहा हूँ और तुम फरार निकल गए। सही में देखा नहीं कसम से कुछ भी, ऋतिक ने तो देखा था, तुम्हारे बगल में ही बैठा था वो, उसने देखा पर मैंने नहीं देखा। ट्रैफिक था बहुत ज्यादा। तो देख रहे हो भाई स्कूल के सामने गाड़ी ज्यादा ना रोकने का रीजन, या देख रहे हो कितना जाम लग चुका है। ये देखो मैप में देखो पूरा लाल हो रखा है, मैप देखो पूरा रेड हो रखा है, तो इसलिए मैंने रोका नहीं और चीनू को पिक करके डायरेक्ट आ गया। तो भाई चीनू ये बता कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस पेपर देने के बाद स्पोर्ट्स कार में बैठ के आने का? बहुत अच्छा। गाइस देखो जब हम 12th क्लास में थे और जब बोर्ड एग्जाम वगैरह देते थे तो हम तो भाई पैदल आते थे धक्के खा के, बस में बैठ के DTC में बैठ के घर तक आते थे। उसके बाद DTC हमें छोड़ती थी बस स्टैंड तक, उसके बाद बस स्टैंड से ई रिक्शा पकड़ते थे अपने गांव के मोड़ से, ई रिक्शा या फिर वो चलता था ग्रामीण सेवा में बैठ के आते थे ग्रामीण सेवा के स्टैंड तक, फिर वहां से पैदल घर आते थे। और चीनू को देख लो भाई यहाँ स्पोर्ट्स कारों में घूम रही है बोर्ड के पेपर देने के बाद। ठीक है उस टाइम हमारे पास नहीं थी, अब है तो मजे मार रहे हैं। कैसा लगा मेरे को कैसा लगा तुझे बता? मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब चीनू तेरे को बिठाएगी अपने प्राइवेट जेट में। चीनू ने मेरे को बोल रखा कि भैया मैं रोल्स रॉयस लूंगी, मैं कहा चलो देखते हैं कब लेगी। तो मुझे ये बता, ये कह रही कि वहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे देख रहे थे लेकिन हमारे पीछे ना कई सारी DTC आ गई थी और जाम लग गया था, तो फिर ज्यादा मैं रुका नहीं, फटाफट मैंने इसको गाड़ी में बिठाया। ट्रैफिक के कारण मैं रुका नहीं, वरना भाई वहाँ रुकता और थोड़ी लोग बाग देखते, चीनू के क्लासमेट्स और इसके जो मतलब स्टूडेंट्स थे साथ के जो पेपर देने आए थे वो भी देखते, तो काफ़ी लोग भीड़ लग चुकी थी पीछे, पर मेरे को जल्दी निकलना पड़ा क्योंकि जाम लग गया था और मैं नहीं चाहता था कि जाम लगे और पीछे लोग परेशान हो, तो इसलिए निकलना पड़ा। बाकी पेपर कैसा हुआ है? कितने पेपर हो गए? मैथ्स का, फिजिकल का और इंग्लिश का, तीन और रह रहे हैं। तो भाई मैंने चीनू से एक तो ये शर्त भी लगा रखी है कि अगर ये कितने परसेंट की हुई थी, 85% लाती है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, तो इसको आईफोन 16 प्रो मैक्स जो कि अपकमिंग है वो मिलेगा और एक कोई नया गिफ्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर इसके इतने नहीं आते तो जो इसके पास ये वाला आईफोन है यही से छीन लिया जाएगा और साथ में इसकी स्कूटी भी छीन ली जाएगी, फिर ये DTC में धक्के खाएगी और ग्रामीण सेवा में घूमेगी। भाई हम लोग पहुंच गए अपनी सोसाइटी के अंदर और ये रही अपनी BMW और वो रही पीछे विनय की टार्जन और XUV आ रही है मिक्की माउस को लेके, क्योंकि मिक्की माउस पीछे ही रह गया था। तो अभी भाई मैं चीनू को गुड़गांव वाले अपने घर पे लेके जा रहा हूँ, उसके बाद चीनू चली जाएगी अपने घर पे। मम्मी हाँ अभी, और कब जाएगी? बाद में। कब? आधे घंटे में चली जाइयो, ज्यादा थोड़ी, 3-4 घंटे में रात हो जाएगी, फिर तेरे को जाके पढ़ाई भी करनी है अगले पेपर की, समझी? सोना भी हमें रात से सो ही नहीं। तो सो के चली जियो। तो चलो भाई आज इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी कर देना। चीनू निकल जाएगी घर पे और हम अपना कंटिन्यू करेंगे। चलो गाइस बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं ऐसे ही एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। बाय गाइस। तो चीनू जा रही है गुड़गांव वाले घर पे। तेरे पेपर है, तू अपना और क्यों ना पढ़ लेती, आके तू सोएगी। मेरे को तो ये था कि यहाँ तक लाके फिर तू घर छोड़ाऊंगा तेरे को। तो अभी सोऊंगी नहीं, आधा घंटा रुक के घर जाके सो जाऊंगी। क्योंकि देख पेपर बचे हुए, पढ़ना भी जरूरी है। एक काम कर, इंस्टा से मिल ले और थोड़ा रेस्ट कर ले, फिर घर निकल जा, ठीक है? भूत मत बन तू, पढ़ाई कर ले, ठीक है? इंस्टा से मिल ले, थोड़ा रेस्ट कर ले, फिर घर निकल जा।